नमस्कार, मैं सारिका पंकज आप सबके लिए साहित्य तक पर हर रविवार को कालजयी कहानियां लेकर आती हूँ। आज की कहानी में क्या है? सागर कन्याएं, जिसे लिखा है खलील जिब्रान ने। सूर्योदय के नजदीकी द्वीपों, जिन्हें हम पूरब का द्वीप कह सकते हैं, को सागर की गहनतम गहराई घेरे हुए है। इसी क्षेत्र में एक युवक का मृत शरीर मोतियों पर पड़ा था, जिसे लंबे सुनहले बालों वाली सागर कन्याओं ने घेर रखा था। संगीतमय माधुर्य के साथ आपस में वार्तालाप करती हुई वो कन्याएं अपने नीलाभ पैनी दृष्टि से टकटकी लगाकर उस शव को देख रही थी। सागर की गहराइयों द्वारा सुने गए तथा लहरों से सागर तट पर संप्रेषित ये वार्तालाप मंद वायु द्वारा मुझ तक पहुंच रहा था। उन सागर कन्याओं में से एक ने कहा, ये वही मानव है जिसका प्रवेश उस दिन हमारे सागर संसार में हुआ था और उसके प्रवेश काल में हमारा जलराशि ज्वार से उद्वेलित हुई थी। दूसरी बोली, नहीं सखी, हमारी जल्दी ज्वार उद्वेलित नहीं हुई थी, बल्कि दृढ़ता पूर्वक अपने को सुर संतान कहने वाला मानव लौह युद्ध कर रहा था और इस लौह युद्ध के फलस्वरूप उसका लहू इस हद तक प्रवाहित हुआ कि सागर के जल का रंग लोहित हो गया। ये व्यक्ति मानव युद्ध का शिकार है। तीसरी सागर कन्या पूर्ण साहस के साथ बोल पड़ी, युद्ध के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम, परंतु मुझे इतना मालूम है कि धरती पर विजय पाने के बाद मानव की प्रवृत्ति आक्रामक हो गई और अब वो सागर विजय हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है। अपने विलक्षण विषय चिंतन के कारण वो सागर तक पहुंच भी गया है, पर उसकी इसी लोलुपता के चलते हमारे बलशाली समुद्र देवता वरुण कुपित हो गए हैं। वरुण देव के क्रोध को शांत करने या कहूं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों ने उन्हें उपहार एवं वस्त्रों का आहार्य देना प्रारंभ कर दिया है और हमारे बीच आज जो ये मृत शरीर है, ये हमारे महान तथा उग्र वरुण देवता को मानव द्वारा समर्पित सहृदय उपहार है। चौथी सागर कन्या ने दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखी, माना कि हमारे वरुण देवता बहुत महान हैं, परंतु उनका हृदय कितना कठोर है। अगर मैं सागर साम्राज्ञी होती तो ऐसे उपहार को अस्वीकार कर देती। अब आओ, हम लोगों को इस बंदी के उद्धार मूल्य का परीक्षण करना चाहिए। हम लोग भी संभवतः अपने को मानव वंश के सदृश प्रकाशित कर सकती हैं। सागर कन्याएं मृतक युवक के निकट गईं, उन्होंने उसकी तलाशी ली। इस तलाशी में उन्हें युवक के ऊपरी जेब से एक पत्र मिला। वहां मौजूद सहेलियों को सुनाने हेतु एक सागर कन्या ने उस पत्र को पढ़ा। मेरी प्रिय, मध्य रात्रि का आगमन पुनः हुआ है। मेरे प्रवाहित आंसुओं के अतिरिक्त मुझ में धैर्य का सर्वथा अभाव है। युद्ध से रक्त रंजित भूमि से तुम्हारी वापसी की जो मुझे आशा है, वही मेरी खुशी का एकमात्र कारण है। अपनी जुदाई के समय तुम्हारे व्यक्त शब्दोद्गार को मैं भूल नहीं सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आंसुओं का ही एक आलंबन है, जिसका प्रत्यर्पण किसी न किसी दिन अवश्य होता है। मेरी प्रिय, मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना चाहिए, परंतु मुझे इसका ज्ञान है कि मेरी आत्मा इस चर्मधारी शरीर में स्वतः निसरण करती है। मेरी आत्मा जुदाई भरी दूरियों से पीड़ित होते हुए भी प्रेम से भरी हुई है। वही प्रेम जो पीड़ा को आनंद और क्लेश को सुख प्रदान करता है, और यही प्रेम हमारे दो हृदयों को एकीभूत करता है। जब हम लोगों ने उस दिन का चिंतन किया, जिस दिन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर के सशक्त श्वास से हम दोनों के हृदय एकाकार हुए थे, तभी युद्ध की विकराल ज्वाला प्रज्वलित हुई और इस युद्ध ज्वाला को और भी प्रज्वलित किया नेताओं ने अपने वक्तव्य की आहुति देकर। पर तुमने अपना कर्तव्य समझकर इस युद्ध का अनुगमन किया है। पर सच कहूं तो ये है प्रिय, कि ये कैसा कर्तव्य है कि दो प्रेमियों को पृथक करता है, स्त्रियों के यही बात को वैधव्य में परिवर्तित कर देता है, बच्चों को यतीम बनाता है। ये कैसी देशभक्ति है कि युद्धों को उत्तेजित करती है और तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए राज्यों का विनाश करती है। ये कैसा कर्तव्य है जो आततायियों के यश हेतु निरीह व्यक्तियों को मृत्यु वरण हेतु आमंत्रित करता है, उन निरीह व्यक्तियों पर जिन पर न समर्थ और न ही वंशगत अभिजातियों की कृपा दृष्टि ही पड़ती है।
अगर कर्तव्य राष्ट्रों की संधि को भंग करता है तथा देशभक्ति प्रजा के शांति में जीवन में विघ्न डालती है, तब हम ये कहेंगे कि कर्तव्य और देशभक्ति को शांति मिले। नहीं नहीं मेरे प्रिय, मेरे शब्दों का ख्याल मत करो। अपने देश के प्रति बहादुर और वफादार बनो। प्रेम में अंधा बनकर तथा जादुई और एकाकीपन से विकसित होकर मेरी बातों पर ध्यान मत दो। अगर मेरा प्रेम मेरे इस जीवन में तुम्हें प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा, तब पुनर्जन्म में हम लोगों को प्रेम निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तुम्हारा सदैव। सागर कन्याओं ने यह पत्र सुना, सब मौन हो गईं। सबने एक दूसरे को देखा, पत्र को वापस मृत युवक की जेब में रख दिया। मौन स्तब्ध होकर दुखी मन से वे सभी कन्याएं तैरती हुई स्थान से दूर चली गईं। और जब फिर एक बार एकत्रित हुईं, तो उनमें से एक ने कहा, वरुण देवता के संगदिल से कहीं अधिक प्रस्तर मानव का हृदय है। महान चिंतक, कलाकार, दार्शनिक, कवि और लेखक खलील जिब्रान प्रेम के पहरुआ रचनाकार हैं। अरबी और अंग्रेजी के इस अद्भुत लेबनानी अमेरिकी लेखक को अपने चिंतन के चलते पादरियों और अधिकारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। उन्हें जाति, यहाँ तक कि देश से निकाल दिया गया। खलील जिब्रान का जन्म लेबनान के बथरी नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। जब वो 12 साल के थे, तब माता पिता के साथ बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों की यात्रा पर गए और बाद में अमेरिका के न्यूयॉर्क में बस गए। आधुनिक अरबी साहित्य में वो प्रेम के संदेश वाहक लेखक हैं। यूं उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में है। खलील जिब्रान की जिन कृतियों ने पूरी दुनिया में धूम मचाई, उनमें द निम्पस ऑफ द वैली, स्प्रिट्स रिबेलियस, ब्रोकन विंग्स, अ टीयर एंड अ स्माइल, द प्रोसेशंस, द टेम्प्स, द स्टॉर्म, द मैडमैन, 20 ड्राइंग्स, द फॉरनर, द प्रोफेट, सैंड एंड फोम, किंगडम ऑफ द इमेजिनेशन, जीसस द सन ऑफ मैन, द अर्थ गॉड्स, द वॉन्डरर, द गार्डन ऑफ द प्रोफेट, लजारस एंड हिज वेलवेट शामिल है। मैं सारे का पंकज जनवरी से खास रिश्ता रखने वाले इसी महान कथाकार की युद्ध विरोधी कहानी सागर कन्याएं के साथ आपसे रूबरू थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खलील जिब्रान का जन्म 6 जनवरी 1883 को हुआ था और 10 जनवरी 1931 को आपने इस दुनिया से अलविदा कहा था। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं, हमें भी बताएं, इससे हम आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।